तू हीटर है किसी और का। अरे आपसे भी प्यार है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स मतलब प्रीति दीदी की फैमिली, निकी दीदी की फैमिली, बाय बोलते हैं। काफी अच्छा ट्रिप रहा, बहुत मेमोरेबल। कितनों की लव स्टोरी यहां, केसरिया तेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिगी डीजी ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो उठ चुके हम, रात बहुत अच्छी बीती यार। हमने प्रीति दीदी के घर पहुंच गए थे रात के टाइम, और यहाँ पे हमारी बढ़िया स्लीप हुई और बढ़िया हमने डिनर किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आज शायद हम वापस चंडीगढ़ चले जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, कितने दिनों से हम घूम फिर रहे। तो कैसा रहता आज का दिन आपको सब कुछ पता चलेगा। तो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इनके देवता जी के दर्शन कराता हूँ। तो ये है इनका देवता जी का मंदिर, और ये है जी प्रीति दीदी का घर। और इनका ये जो डॉग है ना, बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, जर्मन शेफर्ड है वैसे तो, बट कुछ भी हो सकता है। बाकी यार रोडू आए और अपने क्लोज फैमिली फ्रेंड के घर ना आए, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम स्पेशली यहाँ पे आए, एक नाइट हमने यहाँ स्टे किया, और आज अब हम निकल जाएंगे सुबह सुबह। अभी अंजना तैयार हो रही है, उसके बाद कैसा रहता है अपडेट आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी एक बार व्यू दिखाता हूँ मैं आपको इनके घर से, कितना ज़बरदस्त व्यू आता है यार। रोडू है तो जन्नत, क्योंकि यहाँ पे चांचल है नज़दीक में, और बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अलग अलग टाइप की चीज़ें भी है। और मंदिर का फ्रंट व्यू, वाह यार, बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे यार। हाँ जी जो भाई, हाउ इज़ द मॉर्निंग? मॉर्निंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इतनी अच्छी नींद आई, इतना प्यारा घर है इनका, है ना, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। सही बात है, इतना टेस्टी था। और लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है यार, देख सामने चांचल दिखता है। हाँ वो देखो, वहाँ गए थे हम उस वाली हाइट में। सारा मूड ना डिनर करके ठीक हो गया। चलो किसी से कुछ तो मिला एक मोटे। दीदी हमने घर लाया, वरना तो भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है, हम यहाँ पे ना, ऐसा हो सकता है यार। और अंजना ने एक नई ये चीज पहनी है, क्या बोलते हैं अंजू इसको, क्या बोलते हैं इसको, भूल गई तू, पोंचो। पोंचो, तो ये कैसा लग रहा है जरा, पोंचो जरूर बताए कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो अच्छी लग रही है, देख ले, उज्जू को गिफ्ट चाहिए पोंचो, कोई नहीं मैं दे दूंगा गिफ्ट भाई, चिंता ही मत कर। चांचल से उड़ भी सकते। सही बात है, पर ठंड बहुत लगेगी भाई ऊपरली साइड। मैं तो सब कुछ बनाई, मेरे बाल 2 दिन से धोए नहीं थे मैंने। आ जा जी, आ जा, अभी जाएंगे जी ब्रेकफास्ट करने, भूख लगी है बहुत ज्यादा। किचन में क्या बात है, किचन है ये इनकी। नमस्ते आंटी जी, बहुत बढ़िया, सही बात है, बड़ा गर्म था, मजा आ गया। तू हीटर है किसी और का, तुझे से करा कोई और है, ले लेते हैं किसी और से। ठंड बहुत ज्यादा। चलो जी हीटर आ गया अपने पास, बढ़िया हीटर से गए, वरना भाई ठंड इतनी लग रही है ना। वही चक्कर टेस्ट करते हैं, ले तू टेस्ट कर, बता जरा रिव्यू, हाउ इज द चक्कर। चक्कर थोड़ा क्रंची है, सॉरी, चक्कर बहुत बढ़िया है। अपना ब्रेकफास्ट इज डन, अब टाइम से निकलेंगे, तभी पहुंच पाएंगे। सामान ले चलते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू लीव, चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मतलब जोर से बोलो बाय 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 बाय। मैं जय माता दी, मैं तो लगा दी, चलो यार चलते हैं। और गाड़ियां हमारी थोड़ी ऊपर खड़ी है, तो बगीचे वाले रास्ते से हमें ऊपर जाना है। रात के टाइम तो यार वैसे ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा था, बट अभी थोड़ा सा बगीचा देखने को भी मिलेगा। यहाँ के पेड़ के बगीचे भी बहुत अच्छे हैं भाई, बड़े अच्छे भाई, बड़े लगे हैं ना, अलग भाई, देखना तू, कुछ फर्क दिख रहा है मेरे को इन चीज़ में। क्या मेरे को बता, क्या फर्क दिख रहा है, मैं मान जाऊंगा। ये देख कितने बढ़िया शेप में है। चौपाल वाले थोड़े चौड़े हैं, ये थोड़े वैसे है, कैसे समझाऊं मैं, कप शेप, फिर वो भी फैल जाएगी। हाँ भाई, और क्या, पेड़ बहुत बड़ा होता है, ये तो कुछ नहीं अभी। अब तुमको यहाँ चलने में भी दिक्कत नहीं होती, आदत हो गई ना, बढ़िया आदत हो गई है। तो ये इनका पूरा गांव जो यहाँ से व्यू आ रहा है, कुल गांव। हाँ थक थक तो नहीं गई, पक्का कल के लिए अभी भी गुस्सा तो नहीं है? मेरी शक्ल इतनी प्यारी है कि इसको प्यारा आ जाता है ना। आपको नहीं आया ना, पर मेरे पे आया ना, अब
अब देखो अब देखो बिल्कुल साथ लेके चल रहा हूँ, अब तो आएगा ही, घर से जाना है। अच्छा तेज, नो तेज, नो मेरा बेटी, हेलो तेज, इसको खा ले कोई चक्कर नहीं, भैया को मत खाना, मुंबई जाना बस इसने, ज्यादा दूर नहीं जाना। तेज कैसे हो, गुड बॉय भाई, इतने नजदीक जर्मन शेफर्ड के पहली बार खड़ा हूँ मैं। हेलो तेज, मत छू अंजू, मत छूना, मत छूना, मत छूना। ओके प्रीति दीदी, बहुत अच्छा ट्रिप था आपकी वजह से, बड़ा मजा आया, बहुत मजेदार। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्द। वाह अरे वाह, पब्बर नदी का क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है यार। यार अगर अपने पास टाइम होता ना भाई जी, तो हम यहाँ नीचे जा सकते थे, है ना यार, ठंडे हो जाए, मजा आना था भाभी जी, मस्त है यार, तो बिल्कुल। और बढ़िया इसमें ना अगर मैगी मुगी का सिस्टम हो, बढ़िया मैगी बनाओ, कैंपिंग टाइप कर लो छोटी सी, खत्म है, खत्म है ना, तो हो नहीं है, आज भी इन्होंने इतनी करनी शुरू कर दी। चल चल चल, डोडरा को हार गया था ना, तो भाई जी की हम गाड़ी का काम करवा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक पैड्स का। चलो जी, गाड़ी का काम निपट गया अच्छे से, अब टेंशन फ्री है हम लोग भी, अब निकलेंगे हम अपने डेस्टिनेशन। चलो भाई, अब चंडीगढ़, वी आर रेडी, रेडी टू लीव, और थैंक यू सो मच यार, आप लोग भी रुके। अरे कोई बात नहीं भाई, ये क्या मतलब बना यार, चली गई है क्योंकि हमको जल्दी पहुंचना था, और मनि दिव्या को तो मम्मी ने फोन भी कर लिया था, और अब लेट्स सी बेचारे टाइम से पहुंच जाए वो। हाँ बस यही है, नहीं तो उनका अगला ट्रिप कैंसिल। और हमें भी चंडीगढ़ टाइम से पहुंचना पड़ेगा, कोशिश तो ये रहेगी कि डे लाइट में पहुंच जाए, पर ट्रैफिक पे है कि कितना ट्रैफिक मिलता है। अब नहीं आ रही आवाज़, ठीक है, सुकून, पहुंच गए जी अपनी गाड़ी के पास। ओहो बहुत दिनों बाद गाड़ी चलाने का मौका भी मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं यहीं से पेट्रोल डलवा के चले जाए, वरना रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, 1% भी। तो यहाँ पे हो रहा है कुछ पेट्रोल पंप पे काम, तो पेट्रोल हमारा यहाँ पे नहीं डलेगा, बट रेंज तो है यार 351 की, वैसे पहुँच तो जाएगी चंडीगढ़, बट फिर भी रास्ते में जहाँ पे भी मौका मिला पेट्रोल डलवा देगी। 11:48 हो गया टाइम, चले चलो जी फिर, भाई नहीं साथ में ही है, मेरे को अपनी गाड़ी में बैठ के ना इतना अच्छा लग रहा है, मतलब लाइक कल से जब से हम ट्रिप में गए ना, कभी इस गाड़ी में, तो मतलब अच्छा लगता है ना अपनी गाड़ी में यार, मतलब अपना फील ही। बस यार अब भगवान से प्रार्थना है कि हमारे पास भी 4x4 बहुत जल्दी आए। हाँ मतलब ऐसी गाड़ी आए ना जो हम साथ ले जा सकते, पहाड़ों में बढ़िया घुमा पाए, दिक्कत हो जाती है यार ना, ऐसी तो कोई नहीं थी, स्कॉर्पियो खाली थी है ना, बट फिर ऐसा होता ना, यहाँ बैठे अपनी गाड़ी में तो ठीक है, फिर अपनी गाड़ी में सामान की भी बना हुआ को ना, सामान बहुत ऐसे शिफ्ट करना पड़ रहा था। बाकी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार रोडू में आके, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार रोडू, और इसके आसपास की जितनी भी जगह है ऑसम है, मतलब रोडू में ना मनाली वाली वाइब्स आई मेरे को। और उससे भी बड़ा थैंक्स मतलब प्रीति दीदी की फैमिली, निकी दीदी की फैमिली, जिन्होंने हमारे तक ख्याल रखा, इतना टेस्टी डिनर मतलब मील करवाया हमारे को, मील करवाया वहाँ पे डोडरा क्वार में रुकने के लिए वो करे, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि उन लोगों की वजह से हमारा ये ट्रिप इतना अच्छा सक्सेसफुल रहा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मतलब पहली बार प्रीति दीदी की फैमिली से मिली मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा यार, प्रीति दीदी की मम्मा तो इतने अच्छे हैं ना, मतलब बिल्कुल स्माइली फेस। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन से लगे प्रीति दीदी के मम्मा, हमने बताया दिखाया है उनको व्लॉग्स में, बट उनका मैंने वो नहीं बताया, जरा हमारी ऑडियंस पहचान पाती है। प्रीति दीदी के मम्मा ना निखिल भैया की तरह है देखने को, बस ये हिंट है आपके लिए, ये हिंट है, हमने रोडू बाजार से हम क्रॉस करते हुए खड़ा पत्थर के लिए निकले, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे कि जो रोडू और डोडक पास से है, बट हम नहीं मिल पाए क्योंकि ना हम टाइम ही नहीं मिल रहा यार, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं बस, इधर से उधर, समझ ही नहीं आ रहा गाइस सच में, एक तो मतलब वो ही रह रहे इधर से उधर, ऊपर से कल तो पेट्रोल की इतनी ज्यादा रश था, हम रात रात को तो पहुंच ही रहे है ना, एक बज रहा है हम समय सोते हुए भी, तो अभी चलते हैं, अब देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते चंडीगढ़, तो बाय बाय टू रोडू बाजार, अब रोडू से हम बाहर निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं बाहर उतरा हूँ, यहाँ पे पार्क मेरे को दिखा रोडू का, तो रोडू बाजार में अभी मैं रक्षी भाई का वेट, वो थोड़ा ना पीछे फ्रूट्स वगैरह खरीद रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं यहीं पर वेट कर लेता, फिर साथ ही निकलेंगे एक ही साथ में।
फिर ये भी रहता है कि यार साथ साथ में रास्ता भी पता चल जाता है, क्योंकि अभी हम चले गए थे रामपुर वाले रास्ते से, क्योंकि मैंने गूगल मैप्स में डाला जीरकपुर और वो मेरे को ऊपर वाली रोड से लेके चला गया। फिर अक्षय भाई ने देख लिया था कि भाई यहाँ से नहीं जाना, इधर से जाना है। हाँ जी भाई, पीयूष भाई क्या हाल चाल? बढ़िया, मैं भी चुपाल से। चुपाल से हो? ठीक है, ओके भाई। मैं सुन रहा था कोई काम है। ये भैया यहाँ से कौन है? ये हमारे सब्सक्राइबर है। अच्छा, मेरे को लगा ना होना, मैं यहाँ से आया नहीं पहले, ऐसे 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 वो देख रहे थे इधर से, और फिर इधर से ना ये ऐसे मुड़ गए। अच्छा चलो, अच्छा लगता है किसी से तो मिले हम। भाई रोडू बाजार में देखे कितनी बड़ी लाइन लगी है सिर्फ पेट्रोल के लिए। हमें पहले लगा कि भाई ये किस बात की लाइन है, अच्छा लोगों ने साइड में लाइने लगाई हुई है, वरना भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पर ये लाइन देखो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कितना चक्का जाम है भाई पेट्रोल के लिए। वैसे तो पेट्रोल मिल रहा है पर इतना इजीली नहीं मिल पा रहा है, फंसने वाला सीन है भाई। रोडू के बाजार से निकल पा रहे हमें 1 बज गया है। तो गाइस अभी हमने छोल क्रॉस किया था और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है मुझे, तो इस बात की खुशी है, वरना ना मेरे को टेंशन हो गई थी। वहाँ पे भी पेट्रोल का हो नहीं पाया, मेरे को लगा था पेट्रोल होगा वहाँ पे। चलो तो फिर भूटान चलते हैं। नहीं बस भूटान चलते हैं, अभी थोड़ा पहुँचना है, ऐसे घूमना है। कोई नहीं, बाय बाय भूटान, बहुत जल्दी आएगी आपके पास। सून भी मिलने गया, भाभी और बेबी से भी, बट हम आएंगे अब जब ग्रुप की छुट्टियां होगी, कुछ प्लान करेंगे बेशक। वीकेंड्स में आ गए, अभी थोड़ा जाना जरूरी है यार, बहुत टाइम हो गया, पापा और सेवी के भी फोन आ रहे होंगे, तो थोड़ा सेवी के फोन कैसे आएंगे, पापा के फोन तो आ रहे हैं ना, मतलब सेवी को भी मिस करोगे ना, और फिर अच्छा नहीं लगता पापा भी अकेले अगर। हां यार, तो आज निकलना ही निकलना, हमने चाहते तो हम स्टे भी कर सकते। अरे कल रात को ही ध्रुव ऐसे हो गया था, कल ही चलते हैं रात को चुपाल शिमला, शिमला चुपाल। तो यहाँ से चुपाल वाली रोड को बाय कर देते हैं। नानी से मिलना नहीं हो पाया यार इस बार, नानी शिमला नहीं आएंगे, नानी ने यार सर्दी है ना यार इस वजह से, तो नानी प्रेफर करते हैं कि यार गांव में रहे, वहाँ पे बुखारी होती है और ठंड में फिर इतना ट्रैवल करना, फिर शिमला में तो है ही ना ठंड से मरने वाले हाल। अक्षय भाई की गाड़ी भी आ गई है, तो कुछ खाएंगे पिएंगे यार, लंच करना भी जरूरी है, भूख भी बहुत लग रही है मेरे को। फिर हम कंटिन्यू चलेंगे आगे। हाँ जी, फिर नहीं रुकेंगे हम कहीं। बढ़िया लोकेशन चूज कर रही है, धूप वाली लोकेशन चूज कर रही है। ऑर्डर हो गया? हो गया सारा। फ्राइड राइस और साथ में रायता। बढ़िया, रायता तो नहीं, मैंने कर्ड बोला। चलो कर्ड भी चलेगी, खाते थोड़ी एनर्जी गेन करते। आ गया जी अपने फ्राइड राइस, इसने तो मैगी खा के खुश हो गई है। हाँ खा लेंगे वैसे हम एक पर बरसन, देखो नहीं खिलाना मैंने अब मैगी तो पूछी नहीं, पर मैं खिला दूंगा फिर भी, मैं तो दिल रखूं अब नहीं आना जब फ्राइड राइस आप बोल देते यार, तब से आप यही देख रहे थे मेरे को, ये पूछ क्यों नहीं रही है। हां बोल, क्या है? नहीं ठीक, ओके ओके ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड, ओके ओके, थोड़ी पानी वाली है, नहीं अच्छी। चलो जी अब खाना पीना हो गया अपना बढ़िया से मस्त, अब पेट्रोल हंटिंग करते हैं। हाँ। थोड़ा सा देख लेते, एक पेट्रोल पंप यहाँ पे आता है, हाँ आगे को है, वहाँ पे दे पूछते। चलो गाइस, चलो फिर, चलो जी आ जाओ। 263 की रेंज तो दिखा रही है, फिर भी यार चंडीगढ़ में ऐसे ना हो कि धक्के खाने पड़ जाए। तो जी ठियोक से आगे हमें एक पेट्रोल पंप तो मिला, अब यहाँ पे पेट्रोल लग रहा है, उम्मीद है मिल जाएगा और आराम से अब चंडीगढ़ भी पहुंच पाएंगे, इस बात की खुशी है। बाकी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है डीजल होता है इनके पास। तो गाइस यहाँ पे डीजल तो मिल रहा है और पेट्रोल सिर्फ 500 रुपये का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। थोड़ा भैया से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं कि अगर 1000 का हो पाता है, क्योंकि चंडीगढ़ जाना है। मान गए भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे होते हैं हिमाचल के लोग, बोलते हैं हिमाचल के लोग बहुत हम्बल होते हैं, वो सब हिमाचल के लोग ही हैं, हम्बलनेस में नंबर 1 है सीरियसली। हेलो थैंक यू सो मच। चलो यार हो गया अपना 1000 का पेट्रोल। हाँ ठीक है मैडम, दे दीजिए आपको, मेरे को गूगल पे कर दो जल्दी यार। ओके भाई अलविदा, मिलते हैं आपसे, एक हॉल्ट लेके बाय बोलते हैं। काफी अच्छा ट्रिप रहा, बहुत मेमोरेबल, न्यू ईयर अपना अच्छा सेलिब्रेट हो गया, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। कोई नहीं, ओके भाभी जी टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, हम जल्दी चंडीगढ़ आएंगे। ठीक है जल्दी आना, आप तो हमारे साथ, इनको ले जाए हम, भाभी पक्का, भाभी अभी तो पूरे खुद
पूरे थे, मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूं। चलिए अभी चंडीगढ़ चलो, आएंगे वीकेंड में भाई जी। हां जरूर, हम प्लान करेंगे कुछ। अभी पहले घर पे देखते हैं कि बर्फ पड़ रही है कि नहीं। अगर बर्फ पड़ रही होगी तो चंडीगढ़ आएंगे, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन भी ऐसी है, गंजे टायर है, सारा चेंज होएगा। दूर तक गई है गाड़ी यार, लंबा सब आएंगे दो चार दिन जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी। वीकेंड में आ जाना गाइस। 5 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं टनल के अंदर। अक्षय भाई ने नेहा भाभी को कर दिया बाय। बाकी अब चलते हैं यार धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ। पहुंच ही जाएंगे हम 9 बजे तक, तो इससे ज्यादा लेट नहीं होगे। हाँ। बाकी जल्दी पता नहीं क्या होता है, जल्दी वापसी आएंगे। हाँ यार, बड़ा मन नहीं करता यार छोड़ के जाने का। मेरा तो हिमाचल 1% भी बहुत ज्यादा प्यार है हिमाचल से। नहीं, पर क्या करें, काम भी जरूरी है, घर है अपना चंडीगढ़ में। ऑब्वियसली बात है, घर से एक अलग लगाव होता है, पर घर जाने की एक्साइटमेंट भी है। तो बहुत ज्यादा यार, पापा से मिलने की, सीवी से मिलने की, एक रूटीन में वापस आ जाएंगे, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलते अब धीरे धीरे, आखिरी सनसेट अगर आपको दिखा पाऊं मैं शिमला का, क्योंकि देखो मैंने जितनी बार भी सनसेट मुझे दिखा है ना, मैंने हर बार दिखाया है। तो ये तो तारा देवी माता है और उधर सामने हो रहा है जी सनसेट, बहुत ही बढ़िया सा। नेट हो गया ऑलमोस्ट और हम पहुंच चुके हैं जी सोलन बाजार। तो सोलन में आगे भी अच्छा लगता है मेरे को ना, थोड़ा भरा भरा जैसा, और यहाँ से चंडीगढ़ ज्यादा दूर भी नहीं फील होता है, सीधा सीधा है ना, और डबल लेन है पूरा रास्ता। 8 बजे देखो मोस्ट प्रोबेबली तो पहुंच ही जाने चाहिए 8 बजे तक। तो गाइस एक हॉल्ट लिया यहाँ पे हमने ईशर स्वीट्स में, सोचते हैं कि पापा के लिए कुछ मीठा पैक करवा देते हैं न्यू ईयर की खुशी में। ओहो तो यार पूरा चेंज हो गया है, तो करवा देते हैं ना यहाँ से पापा के लिए। और कुछ है देख, अगर कुछ देखो समझ आ रहा है नहीं तो कहा। मैं ये खाऊंगा ना, एक तो मैंने ये किया है, एक मैंने रसमलाई करी है। गुलाब जामुन कैसे है? ठीक है। आप क्रॉस कर रहे हो ना, जरूर आए यहाँ पे, बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, यमी है। मैं नहीं भूला था गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी कभी भूल सकता हूँ? आई एम नॉट अंजना, आई एम ध्रुव। गाड़ी ना मारे मेरी। चलो अब चलो यार, बहुत लेट हो गई है। हाँ अब चलते हैं, अब नॉन स्टॉप चलेंगे। श्री और हम पहुंच चुके हैं अपना बल्टाना की लाइटों पे। अब यहाँ के जाम में थोड़ा सा फंसेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे अपने घर। अब सेवी से मिलेंगे काफी टाइम बाद, पापा से मिलेंगे, काफी अच्छा लग रहा है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना हल्की हल्की धुंध भी है, ये देखो अगर आपको दिख रही होगी, लास्ट टाइम भी थी पर शाम के टाइम इस टाइम नहीं होती थी, पर हो रही है, तो इट मीन्स थोड़ी बहुत सर्दियाँ तो शुरू हुई है फाइनली यहाँ पे। क्या 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 क्यों गुस्सा कर रही है तू मेरे को बोल? ये क्यों लिया यार, किसके लिए? सेवी के लिए लिया मैंने, न्यू ईयर गिफ्ट लिए, लाइट वाला है ना। बोल रहा है कि भाई पहुंच के है आप सोसाइटी में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के दे रहा है मैप। बहुत सामान है यार, पहले तो देखना पड़ेगा कौन सा ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना है। ले जाना तो सारा ही है ध्रुवी, फिर दो चक्कर मारने पड़ेंगे इस बार, बहुत सामान है। पहुंच गए और हमारे बेटू ने भौंकना शुरू कर दिया है, अभी सामान सारा नहीं लाया, थोड़ा ही लाया। ओहो छेबू कटिंग कराई पर हैं अभी गया है खुशी खुशी में। ए शेवी को गिफ्ट लाया मैं, शेवी के लिए गिफ्ट, शेबू गिफ्ट टू ये। डर रहा है अभी से, वो तो मुझे ले आई मिल ले बेटू, बेटू मिल ले थोड़ा सा अंजू से मिल। पापा तो कहीं घर ही नहीं थे, पापा तो यही थे साथ। देखना खुशी खुशी बेचारे की कितना ज्यादा खुश है। सेवी इधर आ, ओहो बोला अब तो करेंगे पार्टी। बिकी ले लो, बिकी ले लिया, नहीं ऐसे तो शरीफ है मेरा बेटा यार। चढ़ा जा है शिवू, गाँव जा पहुंचो। तो गाइस घर पहुंच गए, काफी अच्छा लग रहा है, पापा ने डिनर भी बना दिया है। क्या बनाया होगा, क्या बात है, आलू मटर, वाओ बहुत सही, अच्छा लग रहा है घर आके यार काफी टाइम बाद। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग भी एंड करते हैं, मेरे को नीचे जाना है, सारा सामान लेके आना है ऊपर, और साथ ही में फिर चेंज वगैरह करना, बहुत सारे काम है यार, और थक इतना ज्यादा गया ना मैं, क्या ही बताऊं। 200 प्लस किलोमीटर ड्राइव किया है डायरेक्ट फ्रॉम रोडू टू चंडीगढ़, बीच में थोड़े बहुत स्टॉप्स लिए, पर
एवरीथिंग वॉज सो गुड. अभी के लिए करते इस ब्लॉग को एंड. आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें. चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ. एंड देखते रहे टेक इट इजी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स. बाय बाय.